दोस्तों आज तक तो हमने और आपने यही देखा था कि ईडी जो है वो कार्रवाई करती है ईडी जो है विपक्ष पर शिकंजा कसती है ईडी का समन गया है फलाने नेता के ऊपर ईडी पूछताछ के लिए फलाने नेता को बुला रही है घंटों ईडी पूछताछ कर रही है उनका सामान जब्त कर लिया गया है विपक्ष नेताओं को लेकर ऐसे ही खबर हमने सुनी और हमने अक्सर ऐसी खबर आपको दिखाई भी कि कहाँ पे फलाने नेताओं के घर पर रेड पड़ा ईडी ने कितने करोड़ की जो बात की है कैसे बताया कि ईडी की छापेमारी में फलाने नेताओं के ऊपर इतना बड़ा गंभीर संगीन आरोप लगा अभी हाल ही के दिनों में याद होगा महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को ईडी का समन बार बार जा रहा था लेकिन अब आप आपको जानकर हैरानी होगी कि ईडी जो कार्रवाई कर रही थी जो सरकार कहती थी कि ईडी जो है हमारी सत्ताधारी सरकार यही कहती थी कि विपक्ष आरोप लगाता है विपक्ष गलत कहता है कि ईडी और सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को हम अपने साथ जो है मिलाकर चलते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं ये सरासर झूठ है बीजेपी इस बात को हमेशा नकारती रही है लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ उस खबर को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जिस ईडी पर बीजेपी भरोसा जताती थी, थी कहती थी कि वो निष्पक्षता से जांच कर रही है उस ईडी पर अब सीबीआई ने गंभीर आरोप लगा दिया है ईडी के मुख्य जी हाँ ईडी के मुख्य अधिकारी के असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पद पर विराजमान थे उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगा है इनफैक्ट उनको जेल में भी डाला गया है न्यूज ट्वेंटी फोर की है दोस्तों मैं आपको न्यूज़ की खबर बताना चाहूंगी कि न्यूज ट्वेंटी मामले को लेकर क्या ट्वीट करता है क्या खबर लिखता है न्यूज ट्वेंटी फोर लिखता है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी अधिकारी ने ली पांच करोड़ की रिश्वत सी ने गिरफ्तार किया है अधिकारी पवन खत्री ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे असिस्टेंट डायरेक्टर कोई छोटा मोटा पद नहीं है दोस्तों बहुत बड़ा पद है लेकिन उन पर आरोप सीबीआई की तरफ से लगाया गया है कि पाँच करोड़ की रिश्वत ली है पवन खत्री जी हाँ पवन खत्री को अब अरेस्ट कर लिया गया है वहीं आज तक की खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पहले तो हम सोचते थे कि ई गिरफ्तार करती है लेकिन अब ई भी सी के शिकंजे में है आज तक लिखता है कि पाँच करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में ई का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया है सी ने खतरी समेत दो अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है ये खबर आज तक की तरफ से चलाया गया है लिखा गया है कि पाँच करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर को ईडी के आरोप है कि ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले पवन खत्री ने शराब नीति मामले में आरोपी व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल से पाँच करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी सीबीआई ने खत्री समेत दो दो अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के आरोप और शिकायत दोनों दर्ज की थी अब जांच के बाद खत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है दरअसल ईडी के अनुरोध पर सीबीआई ने दो आरोपी अधिकारी सहायक निर्देशक पवन खत्री और अपर डिविजनल क्लर्क नितेश कोहर के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की थी मामले में अन्य आरोपियों के भी खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है और ये भी कहा जा रहा है कि अन्य आरोपियों में एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान गिरफ्तार हुए हैं व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल गुरुग्राम के निवासी वीरेंद्र पाल सिंह एक चार्ट अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स कैलिजिस होटल के सीईओ विक्रम आदित्य और कुछ अन्य अधिकारी भी शामिल हैं अब आप सोचिए दोस्तों कि ईडी के कामकाज पर कैसे विश्वास किया जाए जब ईडी के इतने बड़े पद पर बैठकर रिश्वतखोरी कर रहे थे जब रिश्वत ले रहे थे पांच करोड़ का रिश्वत लिया गया है दोस्तों पांच करोड़ का आरोप लगा है कि इन्होंने रिश्वत लिया है अब आप सोचिए कि जो ईडी विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है और विपक्ष जो आरोप लगाता है उस आरोप को कैसे सत्य माना जाए जब ईडी के अंदर ही इतना घपलेबाजी घोचालेबाजी गड़बड़ झोल हो रहा था आपको क्या लगता है दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें